हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम लोग बात करने वाले एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोगों ने लोन ले चुके हैं और उसका रिपेमेंट टाइमली नहीं किया या और आप लोग नहीं करते हैं, या फिर अगर आप लोग अभी लोन लेने वाले हैं, तो ये वीडियो आखिरी तक पूरा ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे सवाल आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आ रहे थे, तो मैं सबका जवाब तो वहाँ पे नहीं दे सकता हूँ एक एक आदमी को करके, इसलिए ये पूरा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपके हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो आपको बस करना क्या है, ये वीडियो को आखिरी तक देखना है और हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूं और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब की सब का सॉल्यूशन तुरंत में आपको मिल जाए। और सबसे फर्स्ट में मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिल रहा है डिस्क्रिप्शन के अंदर में, उसको जल्दी से जाके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करके जैसे ही आप लोग साइनअप करते हैं, तो साइनअप करते ही आपको 50 रुपये का साइनअप बोनस मिलेगा और फर्स्ट डिपॉजिट करते ही 100 रुपये का और आपको बोनस मिलेगा, जिसको सीधे आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट में एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये ऐप लीगल है कि नहीं है। ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन है कि ये ऐप लीगल है कि नहीं। तो ये ऐप 110% लीगल ऐप है, NBFC से रजिस्टर्ड है, और अगर आप इसे लोन लेने जाते हैं तो ये आपकी पूरी जानकारी लेगी, जैसे एड्रेस डिटेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका वेरिफिकेशन, लाइव फ़ोटो, वीडियो, सब कुछ लेने के बाद ही आपको लोन प्रोवाइड करती है। अब लोन प्रोवाइड का भी आपको लिमिट रहता है, 500 से लेकर 20,000 तक का ये लोन प्रोवाइड करती है। वो भी डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे कि क्या आपका सिविल स्कोर दिया गया है। जिस हिसाब से आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो लोगों का ये रहता है। और सेकंड क्वेश्चन ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट की परमिशन अलाउ करते हैं तो क्या आपको कॉल आ सकते हैं कॉन्टैक्ट्स पे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस पे कॉन्टैक्ट की परमिशन अलाउ करते हैं या बाकी किसी भी एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट की या परमिशन को अलाउ कर देते तो आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल आ सकता है। लेकिन ये भी बात है कि हर कॉन्टैक्ट पे कॉल नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, हर कॉन्टैक्ट पे आपको कॉल नहीं आने वाले, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही 2-4 कॉन्टैक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको कॉल आ सकता है। तो यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि 5,000 लोन ले लिया है, वो अब 7,000 हो गया, तो क्या करूँ, रिपेमेंट करूँ कि नहीं करूँ, उतना पैसा भी नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या घर में कोई प्रॉब्लम है। तो इन सब की वजह से अगर आप लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपका ड्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना होगा दोस्तों, सिंपली आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए एम पॉकेट वाले से और बोलिए कि मुझे लोन सेटलमेंट करना है। वो एक बार में बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, 2 बार में भी नहीं मानेंगे, लेकिन लंबे समय के बाद वो आपको खुद वहाँ से ऑफर करेंगे कि ठीक है, हम लोग लोन सेटलमेंट कर लेते हैं। तो लोन सेटलमेंट का क्या प्रोसेस है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिए। बहुत ही मुश्किल से सारी इन्फॉर्मेशन मैं जुटा के लाता हूँ आप लोग के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि भाई जो आपका ग्रो कर सके। तो मैं बता देता हूँ कि आपको लोन सेटलमेंट के लिए क्या करना होगा, आपको उससे कॉन्टैक्ट करना होगा। और जैसे आपका 5,000 का लोन है, वो अभी 7,000 हो चुका है, तो आपके यहाँ पे जितने भी फाइन और चार्जेस है वो सब हट जाएंगे। साथ ही साथ में आप 5,000 का लोन 2,000 या 2,500 में भी कर सकते हैं सेटल। जी हाँ दोस्तों, 2 से 2,500 में। लेकिन इससे क्या होगा, आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत लो हो सकता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, सिविल स्कोर आपका लो हो जाएगा। सिविल स्कोर लो होने से आपको फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत हो सकता है। अब बात करते हैं वैसे भाई लोग की जो बिल्कुल ही पेमेंट नहीं करने वाले हैं या बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करना चाहते, तो उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। तो जो बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करेंगे तो उनका सिविल स्कोर काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाएगा लंबे समय में, और वो आगे चल के कोई भी लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड का आपका डिटेल इक्विफैक्स नाम की कंपनी को भेज दिया जाता है, जहाँ पर आपका सिविल स्कोर काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया जाएगा। अब और क्वेश्चन जो आते हैं भाई लोग के कि क्या पुलिस घर पे आ सकती है, वो लोग बार बार कह रहे हैं कि एजेंट घर पे आएंगे, तो ये सब बात बिल्कुल भी गलत है। ना तो पुलिस कभी घर पे आ सकती है, ना तो एजेंट कभी घर पे आ सकते हैं। उन लोग का ऑफिस आपको मेन दिल्ली और मुंबई में होगा, वहाँ से कोई भी आपके ब्रांच या आपके घर तक नहीं आ सकता है। अब बात करते हैं कि क्या पुलिस आ सकती है, तो पुलिस या केस बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ आपको एक नोटिस आता है, नोटिस इसलिए आता है ताकि आप लोग उसका टाइमली रिपेमेंट कर दें, बाकी कोई भी एडवोकेट या कहीं से साइन किया हुआ नोटिस नहीं रहता। तो इतनी बात मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो साथ ही साथ में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर से ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा इंस्टेंटली अर्निंग करने के लिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके आप लोग पूछ सकते हैं निसंकोच, मैं वहीं पर आपको जवाब दे दूंगा। और बाकी उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आऊँगा, जहाँ पर मैं पूरी तरह से आपको ये समझा दूंगा कि कैसे क्या होगा, क्या प्रोसीजर होने वाला है। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत